आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फजान रूल किसे कहते हैं। ठीक है, जो बीएससी जेई नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फजान रूल, फजान रूल हमारा क्या कहलाता है? देखो तो फजान रूल जाने से पहले आपको पता होना चाहिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन आप समझ लो जैसे प्लस, प्लस वाले को बोलते हैं हम कैटायन, क्या बोलते हैं? कैटायन। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम? एनायन। ठीक है, इन दोनों को जब हम पास लाते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं। ठीक, तो पोलराइजेशन में क्या होता है, जब हम प्लस माइनस को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो कैटायन तो अपनी सेम आकृति में रहता है, जैसी शेप उसकी होती है वैसे रहता है, लेकिन ये एनायन की शेप जो है वो चेंज कर देता है, कुछ इस प्रकार से कर देता है। यानी कि एनायन क्या हो रहा है? प्लस वाले की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कैटायन क्या कर रहा है? इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने को ही क्या बोलते हैं हम? पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है इसकी पोलराइजबिलिटी, यानी कि पोलराइजबिलिटी कितनी पावर है इसकी पोलराइज करने की। ठीक है, तो ये क्या है इसकी पोलराइजबिलिटी, और ये क्या है पोलराइज। ठीक है, सॉरी यार गलत हो रहा है, ये है इसकी पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, और ये है पोलराइजबिलिटी। ठीक है, तो देखो हमारे फजान ने केवल इतनी सी बात बताई थी कि किस कैटायन की एनायन के साथ, जब हम किस कैटायन को किस एनायन के पास लाएंगे तो वो किस प्रकार कितनी पावर देंगे। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है, क्या है हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें कैटायन यानी कि के पर प्लस का चार्ज है तो क्या है हमारा कैटायन, और सीएल पे माइनस का चार्ज है तो क्या है हमारा एनायन। ठीक, तो फजान ने केवल इतनी सी बात बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में जितने कैटायन और एनायन हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने कैटायन और एनायन हैं उनकी पोलराइजेशन पावर कितनी होती हैं, वही बताया था फजान भैया ने। ठीक, देखो अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, क्या होता है परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ठीक, तो पोलराइजेशन पावर क्या होगी? कम। पोलराइजेशन पावर क्या होगी? कम। ये किसकी बात की गई? ये कैटायन की बात कर रहा हूँ, प्लस वालों की। प्लस वालों का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर कम होगी, कब? जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा, माइनस वाले में हमारे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो पोलराइजबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, यानी कि इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने पर पोलराइजबिलिटी भी बढ़ती है, और इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ने पर पोलराइजेशन पावर क्या होती है? कम। ठीक है, तो केवल फजान ने इतनी सी बात बोली थी कि किस एलिमेंट्स की मतलब किस कैटायन का पोलराइजेशन पावर अधिक होगा और किस एनायन की पोलराइजबिलिटी कितनी कम होगी या ज़्यादा होगी, वही फजान ने बताया था। तो फजान ने बता दिया कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर कम होगी, और अगर परमाणु क्रमांक एनायन में बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एनायन में दोनों मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसकी पोलराइजबिलिटी भी बढ़ रही है, और कैटायन में अगर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है, तो यही फजान का रूल कहलाता है, ये सारा सिस्टम फजान का रूल कहलाता है। आप इस पे चाहो तो 10 पेज लिख लो, 5 पेज लिख लो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।